हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला हूं जो आप कई जगहों पर बिजनेस कर सकते हो। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन गए हो, बस स्टैंड गए हो, तो आपने वहां पर इस प्रोडक्ट को देखा ही देखा होगा। और ये प्रोडक्ट का बिजनेस इतना आसान है, पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूं, फिर मैं आपको इसकी सारी चीजें समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं जिस मशीन की बात कर रहा हूँ वो है ये 3 कंटेनर जूसर मशीन। जी हाँ, दोस्तों ये 3 अट्रैक्टिव जो आप यहां पर कंटेनर्स देख रहे हैं, तीनों में जो है जूस भरा हुआ है। ये जूस कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये मशीन क्या काम करती है, और दोस्तों ये बिजनेस कैसे करना है और इससे कितनी कमाई होगी, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पहले तो ये मशीन की अगर मैं बात करूं, मैं आपको बिजनेस के बारे में समझाऊंगा। देखिए, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है, लेकिन ये बिजनेस को समझने से पहले आप थोड़ा मशीन के बारे में समझ लीजिए। ये जो मशीन है ये 3 कंटेनर्स में आती है। तीनों कंटेनर्स में आप अलग अलग जूस फिल करके इस टैप से आप सर्व कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। और दोस्तों, ये तीनों इतना अट्रैक्टिव दिखते हैं, दिखने में दूर से अगर अभी आप देख रहे हो तो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, और 10 मिनट में जो है पूरे कंटेनर्स जो है चिल्ड हो जाते हैं। हार्मेटिक कॉम्प्रेसर है अंदर, सिर्फ 10 मिनट में एकदम कूल डाउन हो जाता है। अभी इसमें हमने पाइनएप्पल, काला खट्टा और इसके साथ में हमने ऑरेंज फ्लेवर डाला है, 3 फ्लेवर है। और अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसके बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर कोई बिजनेस आइडिया की तलाश में है, तो मैं आपको बता दूं, आपको कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें न लोग कंपनी देखते हो, जिसमें न लोग जो है मार्केट देखते हो, बस लोगों की जरूरत होती है, आते जाते कोई भी जूस जो है पीना पसंद करता है। 10 से 15 रुपए अगर आप ग्लास मार्केट में सेल कर रहे हो ना, तो आपको काफी अच्छा इसमें मुनाफा होगा। अब कैसे, मैं आपको ये बताता हूं। ये जो बिजनेस है ना, कोई भी रिटायर्ड पर्सन किसी किराना शॉप के बाहर भी लगा सकता है, कोई पोर्टेबल ठेले के ऊपर भी आप इस मशीन को लगा सकते हो, या फिर आपका कोई कैफेटेरिया है, कैफे है, तो उसमें भी आप लगा सकते हो। किसी बस स्टैंड के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर भी आप कोई शॉप रेंट पर लेकर के लगा सकते हो। और दोस्तों, कई अलग अलग जगहों पर इस मशीन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ये मशीन की मदद से बिजनेस में मुनाफा कितना होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये बिजनेस को करने के लिए जो आपको जूस का इस्तेमाल होता है, वो जूस इस तरह के फ्लेवर्स में आता है। ये देखिए, ये जो है घट ऑरेंज फ्लेवर है, और इस तरह के 8 से 10 अलग अलग फ्लेवर्स आपको अवेलेबल होते हैं। ये घट ऑरेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये घट पाइनएप्पल फ्लेवर है, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो येल्लो कलर का है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे पास में घट लीची और घट मैंगो फ्लेवर है, ये देखिए। तो इसी तरीके से काला खट्टा, लेमन, मस्क मेलन, ग्रेप्स, ऐसे 8 से 10 अलग अलग फ्लेवर्स इसके अंदर आपको अवेलेबल होते हैं। आपको क्या करना होता है, फ्लेवर में पानी और चीनी आपको मिलाना है, और मिला करके आपको इन कंटेनर्स में डाल देना है। और दोस्तों, ये कंटेनर्स को बस आपको डाल करके स्विचेस ऑन कर देने हैं, और उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये जो है फाउंटेन अपने आप बनाती है, और प्लस दोस्तों इसको एकदम चिल्ड करती है। अब इसके अंदर मुनाफा आपको कितना होता है और कैसे होता है, ये बात को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये मशीन है, अगर आप इसमें का जूस सर्व कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि आप 200 ml का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, या फिर आप कह लीजिए पेपर ग्लास, आप लेकर के सर्व करोगे। तो आपको सर्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको बस इस तरीके से ये जो टैप है इसके नीचे आपको ऐसे दबाना है, और आपको जूस भर लेना है। ये आप देखिए, ये आपका एक ग्लास का सर्विंग हो गया, ये देखिए, ये आपका एक ग्लास का सर्विंग हो गया। और ये जो एक ग्लास है ये 200 ml का, ये एक ग्लास मात्र आपको 2 रुपए का पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, ये एक ग्लास सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए की लागत की पड़ी है। और अभी मैं आपको दूसरा भी, और एक आपको मैं जूस निकाल करके यहां दिखाता हूं, एक सेकंड आप रुकिए। देखिए, ये एक और मैं डिस्पोजेबल ग्लास ले रहा हूं, और ये डिस्पोजेबल ग्लास से ये मैं पाइनएप्पल फ्लेवर जो है, ये देखिए, ये भी आपको जो ग्लास है और ये भी जो ग्लास है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2 रुपए का पड़ा है। लेकिन ये 2 रुपए का ग्लास मार्केट में कितने में सेल होता है, 10 रुपए में, 15 रुपए में, प्रति ग्लास 8 रुपए का मुनाफा। 1 रुपया अगर मैं बिजली और 1 रुपया लेबर भी पकड़ लेता हूं ना, तो भी दोस्तों मैं इतना तो होता ही नहीं है। प्रति ग्लास में बोलूं आपको, बहुत बहुत आपका 20 से 30 पैसा ऊपर चले जाएगा, 2 रुपया 30 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा आपको प्रति ग्लास पड़ेगा। और अगर आप ग्लास का भी खर्चा जोड़ लो तो 3 रुपया,
₹3 में बनने वाला ग्लास सीधा सीधा मार्केट में ₹10 का बिकता है, यानी कि ₹7 का मुनाफा। अगर आप दिन का 500 ग्लास बेच रहे हो, 200, 300 ग्लास भी बेच रहे हो ना, तो भी 1.5 से 2,000 की अर्निंग तो मिनिमम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एकदम मिनिमम अर्निंग इसमें आपकी 1.5 से 2,000 की हो सकती है। दोस्तों अगर आपको इस मशीन के बारे में और कुछ जानना है या फिर ऐसी ही किसी भी बिजनेस आइडिया के बारे में आपको जानना है, तो A1 मशीनरीज का नंबर मैंने नीचे स्क्रीन पर दे रखा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और यही नहीं बल्कि उनके पास में और कई सारे बिजनेस हैं जिससे कि आप अपनी डेली रूटीन में पैसों की बारिश करवा सकते हो। तो एक बार A1 मशीनरीज को कॉन्टैक्ट कीजिए, 40 से भी ज़्यादा मशीनरीज हैं, महाराष्ट्र उस्मानाबाद की कंपनी है, पूरी सहायता की जाएगी आपकी। और ये मशीन हो चाहे इनके और भी बिजनेस आइडियाज़ हो, आपको शुरू करने में हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों उनको कांटेक्ट जरूर कीजिए और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।